Good morning, dear children. Welcome to the Hindi lecture. आज हम सीखेंगे व्याकरण में अव्यय. अव्यय के बारे में देखेंगे. क्या होता है अव्यय? जानने के लिए नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो. यह अच्छा लड़का नहीं है. ये अच्छे लड़के नहीं हैं. दो वाक्य है इसमें. यह अच्छा लड़का नहीं है. दूसरा वाक्य, ये अच्छे लड़के नहीं हैं. इसमें कौन से शब्द में परिवर्तन हुए हैं? बदल उसका रूप बदल गया है. किस शब्दों के रूप बदल गए हैं? इधर देखो, यह का हो गया ये. पहले वाक्य में यह है, दूसरे वाक्य में ये हो गया. अच्छा अच्छे, लड़का लड़के. नहीं में बदल नहीं हुआ है. लास्ट में है, पहले वाक्य में है, दूसरे वाक्य में हैं. है के ऊपर एक डॉट है, अनुस्वार दिया गया. क्या हुआ इधर? सब शब्दों में परिवर्तन हुआ है सिवाय एक शब्द के. कौन सा शब्द है वो? नहीं. यहाँ पहले वाक्य के सभी शब्द दूसरे वाक्य में बदल गए. केवल नहीं शब्द परिवर्तित है, यानी कि बदल नहीं हुआ है. नहीं जैसे कुछ शब्दों में विकार नहीं होता. परिवर्तन, विकार का अर्थ है परिवर्तन. परिवर्तन नहीं होता. इस तरह के शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं. ये शब्द क्या है? अविकारी शब्द हैं. इन्हें अव्यय भी कहते हैं. अविकारी, जिसमें विकार नहीं होता है वो अविकारी. विकार का अर्थ परिवर्तन. याद रखो, जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है उन शब्दों को अव्यय नहीं तो अविकारी शब्द कहते हैं. अव्यय, अव्यय का अर्थ है जो खर्च न हो, अर्थात हमेशा अपने मूल रूप में ही रहे. हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा अपने मूल रूप में ही प्रयोग करते हैं, प्रयोग होते हैं. तो जैसे और, लेकिन, अतः, इसलिए, ऊपर, नीचे, और, तथा, किंतु, परंतु. ये शब्द, इन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है, इसके लिए इनको अव्यय कहा जाता है. इन शब्दों को अव्यय कहा जाता है. हिंदी में दो तरह के शब्द होते हैं, एक विकारी और दूसरे अविकारी. विकारी, वो नाम से ही पता चलता है कि विकारी मतलब जिस शब्द में परिवर्तन होता है वो विकारी. जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, जिसमें विकार नहीं होता है वो अविकारी. विकार होता है तो विकारी शब्द, जो विकार नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, वो अविकारी शब्द. ये देखो, एक विकारी और दूसरे अविकारी. विकारी शब्दों में लिंग, वचन, काल व कारक के कारण विकार होता है. जैसे लड़का, लड़का, लड़के, वह, वे होता है, उसने है, जाता है, जाते हैं, आता है, आते हैं, आती है, लड़का, लड़की, लड़की, लड़कियाँ. ये सब परिवर्तन, लिंग, लिंग का परिवर्तन, लड़का का लड़के होता है, लड़की, लड़का, लड़की, बेटा, बेटी. ये क्या परिवर्तन है? लिंग परिवर्तन. वचन, लड़का, लड़के, बेटा, बेटे, कुत्ता, कुत्ते. वो लिंग परिवर्तन के कारण क्या होता है? वचन, वचन बदलने के कारण कुत्ता का कुत्ते होता है, घोड़ा का घोड़े होता है. तो घोड़ा घोड़ा ही नहीं रहता, घोड़े हो जाता है. इसके लिए वो परिवर्तन होता है उसमें. इसके लिए उन शब्दों को क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं.
लेकिन अविकारी शब्दों के रूप में इनके कारण कोई परिवर्तन बदलाव नहीं होता, तो और ही रहता है। लिंग बदलने दो, वचन बदलने दो, कुछ भी बदलने दो, तो वो और शब्द जो है और, तो ऐसा ही रहता है। लड़का और लड़की, कुत्ता और घोड़ा, बेटा और बेटी, तो और शब्द सिर्फ बदलता ही नहीं है, ऐसा ही रहता है। इसलिए इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों को ही अव्यय भी कहते हैं। अव्यय, अविकारी, विकार, विकारी शब्दों के दो तरह होते हैं, वो क्या, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। जिसमें बदल होता है वो विकारी, जिसमें बदल नहीं होता है वो अविकारी। सिंपल याद रखना है, ईजी है, याद रखने के लिए ईजी है। जिन शब्द लिंग वचन के कारण, लिंग वचन काल व कारक के कारण विकार होता है, उसे रूपांतर होता है, वो शब्द विकारी। जिनमें परिवर्तन नहीं होता है वो अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं, याद रखना है आपको। निम्नलिखित वाक्य पढ़ो और रेखांकित शब्दों पर ध्यान दो। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई पड़ती थी। कभी कभी, वो जो कभी कभी शब्द है वो कभी भी बदलता नहीं है। कुछ भी काल आने दो, कुछ भी वचन आने दो, लिंग आने दो, तो कभी कभी ही रहता है। आशीष की आंखों में चमक और सुर में उत्साह था। हम नागपुर से रायगढ़ की ओर गए। की ओर भी ऐसा शब्द है, वो अविकारी है, अव्यय है। अरे चुप हो जाओ, अरे हम लोग गर्ल्स को भी बोलते हैं बॉयज़ को, लड़कों को भी बोलते हैं लड़कियों को भी, अरे कहाँ जा रही हो, ऐसा पूछते हैं, तो तभी अरे ही आता है, अरे चुप हो जाओ, तो वो शब्द अविकारी है। इन वाक्यों में कभी कभी और की ओर और अरे शब्द अव्यय हैं, अविकारी हैं। ये अव्यय के चार भेद हैं। क्या क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया के बारे में विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, इनके बारे में हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे। कितने भेद हैं अव्यय के? चार भेद हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। अब हम देखेंगे क्रिया विशेषण अव्यय। जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उदाहरण देखो, रोज सुबह दादी माँ उठती है। इधर क्रिया क्या है? उठती है। कभी उठती है? सुबह। सुबह जो है वो क्रिया विशेषण है, क्रिया के बारे में विशेषता बताती है। तो सन्नाटा था, चारों ओर सन्नाटा था, वो चारों ओर शब्द है वो अव्यय, और क्रिया विशेषण, वो भी क्रिया विशेषण अव्यय। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे हैं, जब कभी शहर गए हैं तब बड़े बड़े पुल देखे हैं। तो उपर्युक्त वाक्यों में सुबह, चारों ओर, एकाएक और जब कभी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, अतः इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? क्रिया विशेषण अव्यय। ये क्रिया विशेषण अव्यय के चार भेद होते हैं। आप लोग हायर स्टैंडर्ड्स में जाके वो डिटेल में पढ़ेंगे। तो भी चार भेद क्या क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये आगे जाके आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग अव्यय के चार भेद ही देखने वाले हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय,
संबंध बोधक अव्यय विस्मयादि बोधक, उसमें अभी हम लोगों ने देखा क्रिया विशेषण अव्यय, जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। दूसरा भेद उसका समुच्चय बोधक अव्यय, जो अव्यय एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह से, या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे हम लोग इंग्लिश में कंजंक्शन कहते हैं कि नहीं, वो दो शब्दों को नहीं तो दो वाक्यों को, दो शब्द समूहों को जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे समुच्चय बोधक शब्द क्या क्या आ सकते हैं देखो, जैसे और, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि, इसलिए, ये शब्द सब क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। उदाहरण, बीरबल तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। अकबर और बीरबल ने, बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं, अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं। अच्छे बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते, इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। ये सब अपने पाठ्य पुस्तक में, अपने टेक्स्ट बुक में जो वाक्य हैं वही है वो। हम कभी नहीं रोएंगे परंतु सुनील भैया को सजा न दीजिए। ये देखो कि, और, इसलिए, परंतु, ये सब क्या अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, क्योंकि दो, पहले में दो वाक्यों को जोड़ा है, दूसरे में दो शब्दों को जोड़ा है, तीसरे में भी एक दूसरे का संबंध जोड़ा है, और इस हम कभी नहीं रोएंगे परंतु सुनील भैया को सजा न दीजिए, इसलिए ये क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे संबंध बोधक अव्यय, जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर, ध्यान से सुनना है, जो अव्यय, ये परिभाषा है, जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बाकी वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं, उन्हें संबंधवाचक अव्यय कहते हैं। जैसे के आगे, से पीछे, से पहले, के निकट, से दूर, के पास, के अंदर, से बाहर, से हीन, पर्यंत, तक, भर, के सामने, आदि। उदाहरण देखो, सेठ काम करने के बाद भी पैसा नहीं देना चाहता था। एक के बाद, इधर देखो संज्ञा के बाद आया, इधर संज्ञा क्या है, सेठ है ना, संज्ञा है, काम कराने के बाद, सेठ है ना, काम कराने के बाद भी पैसा नहीं देना चाहता। एक बार अकबर बीरबल के साथ, बीरबल क्या है, संज्ञा के बाद आया है, देखो बीरबल के साथ सैर कर रहे थे। थर्ड वाक्य, तीसरा, आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। आप क्या है, सर्वनाम, सर्वनाम के आगे आया है, सर्वनाम के बाद आया है, क्या आया, के सामने, के साथ, के बाद, ये सब संज्ञा या सर्वनाम के बाद आता है और बाकी वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध जोड़ता है, इनको संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। चिंकी चूहिया पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। चिंकी चूहिया इधर क्या है, पेड़ क्या है, पेड़ संज्ञा, चिंकी चूहिया भी संज्ञा, पेड़ भी संज्ञा, के साथ,
के नीचे, के पीछे, के आगे, ये सब क्या है? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। चिंकी चूहिया पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। नेक्स्ट, विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक नाम से ही पता चलेगा वो क्या है, आनंद, हर्ष, भय, कोप, शोक, तिरस्कार, घृणा, ये सब भाव का सूचित करते हैं। ये जिन अव्ययों का संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता, बल्कि जो अव्यय केवल वक्ता के आनंद, हर्ष, कोप, भय, शोक, तिरस्कार, घृणा आदि भाव सूचित करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण, सचमुच इनके गुण तो मैं अभी अभी देख चुकी हूँ। सुनील भैया को कड़ी सजा मत दो, जो अंडरलाइन किया है समुच्चय, सॉरी विस्मयादि बोधक अव्यय। चंदा मामा आ गए, मेरे बच्चों जय हिंद। देखो लास्ट में अपने भाव व्यक्त, भाव सूचित करते हैं। ऐसा समझ में इनको क्या कर, सचमुच ऐसा आश्चर्य से बोलते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय अनेक प्रकार के भावों को प्रकट करते हैं, जैसे हर्ष बोधक, वाह वाह, शाबाश, बहुत अच्छा, ये सब क्या है, हर्ष बोधक, आनंद व्यक्त करते हैं। शाबाश, यही प्रकार आगे बढ़ते रहो। शोक बोधक, शोक अपना अंदर जो शोक, सैडनेस, सैडनेस को बताने वाला शब्द, हाय, ओ हे राम, इस तरह के शब्द शोक बोधक बोधक अव्यय। हे राम, वह सड़क दुर्घटना में मारा गया। हे राम, वह सड़क दुर्घटना में मारा गया। घृणा बोधक, छी, थू, छी छी, ये सब क्या है, घृणा, अपने अपने मन में जो घृणा है वो हम एक्सप्रेस करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। छी, कितनी गंदगी है यहाँ। भय बोधक, भय, बाप रे, ओ हाय, इस तरह के भय बोधक शब्द, ओ कितना बड़ा सांप है। विस्मय बोधक आश्चर्य, अरे हैं सच, अरे शैली ने वह प्रतियोगिता जीत ली। क्रोध बोधक, क्रोध का बोध करने वाला शब्द, चुप, हटो, हट, चुप रहो, जब देखो बकबक करते रहते हो। संबोधन बोधक, संबोधन, बुलाने के लिए, अरे आएंगे, अरे चुप बैठो, ऐसा बोलते हैं ना, बुला के, संबोधन बोधक, बुलाने के लिए जो शब्द हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, ऐसा भी बोलते हैं ना, संबोधन बोधक, ओ अरे अजी, अजी मेरी भी तो सुनो, मेरा भी, मैं जो बोलती हूँ वो तो सुनो, इस तरह के शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय अनेक प्रकार के भावों को प्रकट करते हैं। समझा, ये सब आपको क्या करना है, अपने व्याकरण के पेज में, नोटबुक में लिख के रखना है और देखो एक बार, रिवाइज करो घर में बैठकर। अगर कोई कुछ डाउट रहेगा तो ऑनलाइन लेक्चर, थर्सडे को ऑनलाइन लेक्चर है, तभी पूछ सकते हैं। बाय।